पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में आज देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में सरकारी और निजी दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों की ओपीडी बंद पड़ी है। एम्स और सफदरजंग में ओपीडी बंद पड़ी है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओपीडी भी बंद है। ममता सरकार और पश्चिम बंगाल की जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 दिन हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने आज सचिवालय में डॉक्टर्स को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक में जाने से मना कर दिया। ये तीसरी बार है, पहली बार नहीं हो रहा, ये तीसरी बार है जब डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से मुलाकात के ऑफर को ही ठुकरा दिया। डॉक्टर्स जो है वो बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है। 6ठा दिन है लगातार, और इस तरह से आप समझिए कि हड़ताल खत्म होने के साथ अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हो रही। ममता के साथ बैठक में नहीं जाएंगे जूनियर डॉक्टर्स। एनआरएस अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की बैठक में यह फैसला भी ले लिया गया है। और 1 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी ने सचिवालय में डॉक्टर्स को बैठक के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स की मांग है कि बैठक का मीडिया में लाइव प्रसारण किया जाए कि क्या बातचीत होती है नहीं होती। बिना मीडिया और टीवी कैमरों के डॉक्टर्स ममता के साथ बैठक के लिए तैयार नहीं होंगे। ये तीसरी बार है जब बातचीत के ऑफर को डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया है। पहली बार बातचीत शुक्रवार रात 9 बजे होनी थी लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने। दूसरी बार बातचीत शनिवार शाम 5 बजे होनी थी लेकिन डॉक्टर्स ने बातचीत से इनकार कर दिया। और अब 3 बजे का टाइम है, उसमें भी कंडीशन लगा दी गई डॉक्टर्स की तरफ से कि मीडिया कैमरों के बीच हो, लाइव प्रसारण हो पूरी बातचीत का, तब ही बातचीत करेंगे। पूजा मेहता जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। पूजा, शर्त क्या है? एक तो लाइव कैमरा मतलब के बीच हो, लाइव प्रसारण हो बातचीत का, और क्या शर्त? बातचीत करने को फिलहाल राजी हो गए मतलब अब डॉक्टर्स? देखिए आपको बता दें, ये लगातार जो है आज 7वां दिन है जब ये हड़ताली डॉक्टर्स जो है काम से दूर है, सीज वर्क किया है। ये तीसरी बार है जब उन्होंने सरकार का जो ऑफर है बातचीत का वो ठुकराया है, बैठक में जाने से इनकार किया है। और अब जो उनकी तरफ से ये दलील सामने रखी जा रही है, सबसे पहले तो सुबह वो ये कहते हुए देखे कि उन्हें औपचारिक तौर पर सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। तब सरकार की ओर से वो चिट्ठी को सामने पेश किया गया कि जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उनके द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी हड़ताली डॉक्टर्स को। उसके बाद साथ साथ ही डॉक्टर ये बात मान लेते हैं कि जी उनके पास आई थी चिट्ठी और वो फिर एक बार जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जो है एक और नई शर्त सामने रखी उन्होंने। अब उनका कहना है कि जितने भी न्यूज चैनल है उसे अलाउ कर दिया जाए मीटिंग में, और उसके अलावा लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। आपको बता दें सरकार की ओर से यह कहा गया था कि पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जहां तक प्रेस मीडिया की बात है, क्या दीदी पर भरोसा नहीं है या फिर से वो डरा धमका सकती हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो किसी भी मीडिया के सवाल देने से इनकार करते रहे हैं पिछले 6 दिनों में। यहाँ तक की बात यहाँ तक आप पहुंची कि वो मीडिया यू आर द आउटसाइडर। मतलब आप देख रहे हैं कि टकराव नहीं थम रहा है, प्रदर्शन के दौरान कुछ हंगामे की भी खबर है। आपने सुना यू आर दी आउटसाइडर, मतलब आप हैं बाहरी, क्योंकि डॉक्टर्स को बार बार बाहरी बताया जा रहा है, उनको बीजेपी का काडर बताया जा रहा है, उनको बाहर फेंकवाने तक की धमकी दे दी गई थी डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स इस बात से नाराज है कि हम तो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी भी टकराव जो है वो अभी टकराव नहीं थम रहा है पूजा, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है उसमें भी यही सब टकराव हो रहा है और यही बाहरी काडर अपमान डॉक्टर्स का, जो इसी वजह से डॉक्टर्स नाराज भी है मेरे ख्याल से। अभी भी बताया जा रहा है कुछ टकराव हो रहा है वहां पर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहती हूँ, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मीडिया के अटैक की तस्वीरें हैं। जब आज जूनियर डॉक्टर्स ने बदतमीजी की है मीडिया कर्मियों के साथ, ट्राइपॉड कैमरा हमारे इक्विपमेंट के तोड़ने की कोशिश की है, और ये जो कह रहे हैं आउटसाइडर वो और किसी को नहीं लेकिन जूनियर डॉक्टर्स जो है वो मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं। पिछले 7 दिनों से हमने दिखाया किस तरीके से ये जितने भी हड़ताली डॉक्टर्स है या हड़ताल के वजह से जितने भी मरीज है वो बुरी तरीके से परेशान है, सफर कर
रहे हैं, कहीं पर भी किसी अस्पताल में जाने से उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा इनका जो गुस्सा है पूरी तरीके से मीडिया पर अभी उतर रहा है। इन्होंने यहां तक, और मतलब ये डबल स्टैंडर्ड देखिए ये जूनियर डॉक्टर्स के, जहां एक तरफ ये मीडिया को अटैक करते हुए दिखे हैं, वहीं दूसरी ओर ये चाहते हैं कि मीडिया की प्रेजेंस में ये बैठक हो, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो ये साफ तौर पर ये बॉल अभी जूनियर डॉक्टर्स के कोर्ट में है कि आखिरकार कब वो ये बैठक करना चाहते हैं। सरकार ने उन्हें काफी समय दिया है, 7 दिन तक समय दिया, 3 बार बैठक के लिए बुलाया है और तीनों बार इन्होंने बैठक में जाने से इनकार करते हुए नई डिमांड सामने रखी है या तो फिर किसी एक्सक्यूज को सामने रखते हुए बैठक में नहीं शामिल होने को कह दिया है। और ये मांग क्यों है, मतलब क्या दीदी पर भरोसा नहीं है? मीडिया कैमरों की मौजूदगी में बातचीत की शर्त क्यों? देखिए आपको बता दें, जहां तक जूनियर डॉक्टर्स की डिमांड की बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि उनकी जितनी भी डिमांड्स है सबको सरकार मान लेता है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के आश्वासन जो है वो प्रशासन दे रहा है और वो जल्द से जल्द काम पर वापस आए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम पर नहीं लौटे और बार बार जनरल बॉडी मीटिंग करते रहे, बस बैठक के बाद बैठक। लेकिन अब जो है उन्होंने एक और सामने शर्त रख दी है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मीडिया के प्रेजेंस में हो और ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो पूरे मीटिंग का। जहां तक सरकार पे विश्वास की बात है, तब बार बार से मुख्यमंत्री नहीं, कमिश्नर पुलिस हो या फिर जितने भी हेल्थ मिनिस्टर है राज्य के, जो जूनियर हेल्थ मिनिस्टर है, मेडिकल जो हेल्थ के जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है राज्य के, उन्होंने सब बातचीत की है। सारे जितने भी एजिटेटिंग डॉक्टर हड़ताली डॉक्टरों से बात की है, उनको आश्वासन दिए हैं, लेकिन अब लगता है जूनियर डॉक्टर्स बातचीत के लिए या बैठक के लिए तैयार ही नहीं है। शुक्रिया आपका पूजा, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर्स लग रहा है बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है और ये तीसरी बार है, इससे पहले फ्राइडे को, सैटरडे को और अब आज के दिन भी 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टर्स लग नहीं रहे बातचीत करने को तैयार है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से छोटा सा भी निकले रहे हैं।